केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। जन समस्याओं, भ्रष्टाचार व अपराध बढ़ने का आरोप लगाते हुए आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। योगी राज में बच्चे तक भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों से सपा के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व सरधना विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान ने कहा कि भाजपा कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सपा अपराध व अपराधियों के खिलाफ है। सीमा प्रधान ने यह भी कहा कि आज सपा जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी की जेब काट ली गई। जेब में 20,000 व मोबाइल था। यह इस बात का सबूत है कि योगी सरकार में अपराध बढ़ गए हैं। वहीं जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी ने कहा कि वह योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने आए थे, उनकी जेब पर ही चोरों ने हल्ला बोल दिया। पहले सुनिए सपा के जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी ने क्या कहा। जो अधिकारी कार्यालय पे क्या मांगे हैं, किस तरह या हमारी जो मांगे हैं समाजवादी परिवार की, वो ये है कि जिले में देखिए कितना क्राइम बढ़ रहा है। रोज रेप हो रहे हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं, रोज खुदकुशी हो रही है। और आज भी नया फपुंडा में आपने देखा, लोहिया थाना अध्यक्ष में एक पंडित लड़की के साथ रेप हो गया है। ये बहुत ही विविध घटनाएं जो हो रही है। और देखिए एक क्राइम की तो बानगी देखिए कि हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, हम यहाँ पे हल्ला बोल करने आए, हमारा ही हल्ला बोल गया जी, जेब कट गई, 20,000 रुपए चले गए, रुपए रख ले, हमारे प्रमाण पत्र दे दे, आपसे निवेदन है। कितने लोगों की जेब काटी? करीब मेरी भी है, एक उपाध्यक्ष है उनकी भी है, और दो के मोबाइल है। अब आपका क्या आगे क्या कदम रहे? भाई कदम तो यह है कि हम चाहे कितने भी उपेक्षित हो जाएं, उत्पीड़ित होते रहें, लेकिन हम विपक्ष बन के सत्ता पक्ष के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, उत्पीड़न के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, और जो क्राइम बढ़ा है उसके खिलाफ हम हमेशा सड़क पे लड़ते रहेंगे। अब देखिए सरधना विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान ने क्या कहा। अध्यक्ष जी आज हम देखो जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने आए हैं। आज आप देख रहे हैं बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आज आम जनता परेशान है। अभी हम देखो अभी रास्ते में आ रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, उनकी जेब कट गई, उनके जेब से 20,000 रुपए, उनका मोबाइल निकाल लिया गया। देखो जब हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित है? और जनता परेशान है, बढ़ते क्राइम से जनता परेशान है, बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, हमारे युवा भाई बेरोजगारी से परेशान है, और महिला हमारे देख रहे हैं, हम दिन रात देख रहे हैं बीजेपी सरकार में महिला कहीं से कहीं तक भी सुरक्षित नहीं है। ना महिला सुरक्षित है, ना बच्ची सुरक्षित है। आप कहीं भी देखें, बच्ची घर में सो रही तो वो भी सेफ नहीं है। तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मुझे लगता है कि कहाँ बेटी बचेगी, तो पढ़ेगी तो तब, जब बचेगी नहीं। बीजेपी राज में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, तो इसीलिए हम आज सब लोग इकट्ठा होकर सब लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि जो भी अपराध है समाजवादी पार्टी के नेता उसमें क्या? आप देख रहे हैं दिन रात हम भी पेपर पढ़ रहे हैं, बीजेपी के नेता कभी पुलिस को पीट रहे हैं, कभी किसी चीज को पीट रहे हैं, क्राइम भी बहुत बढ़ रहा है। हमने तो बीजेपी नेताओं के बारे में ज्यादा क्राइम पढ़ रहा है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, इन्हें उल्टा सीधा बोलना है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा जो बढ़ता क्राइम है उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे, बढ़ती महंगाई को ये लोग कंट्रोल नहीं कर रहे, जो महिलाओं के साथ अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं उसे ये लोग कंट्रोल नहीं कर रहे। उल्टा बोलने से या किसी के नाम बदलने से चीजें अच्छी नहीं होती है, चीजें करने से अच्छी होती है। जब इन चीजों पर लगाम लगाएंगे, अगर सख्ताई करेंगे तो चीजें अच्छी होंगी, नहीं तो क्या चीजें हैं, कुछ भी बोल दो। हल्ला बोल रहेगा, इसी तरीके से समाजवादी संघर्ष करती आई और संघर्ष करेगी, और आगे चलकर जीतेंगे हम लोग। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।